वेलकम फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सभी केमिस्ट्री गाइड पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। पहले की वीडियो में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस किया, तो अगर आप वो वीडियोज देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेज when the structure of one form is the mirror image of the other and the two are not superimposable। तो किसी कंपाउंड के, कोई कंपाउंड का अगर दो स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिरर इमेज हो और वो दोनों स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो उसे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे हम एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और वो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। अगर वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब रोटेट करता है, तो उसे हम डेक्सरोटेटरी कहते हैं। और अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उसे हम लेवल रोटेटरी और एलो माइनस कहते हैं। तो आइए एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हम लेते हैं एक, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं NH3 का होल टू Cl2+। यानी कि हम एग्जांपल लिए डाई एमीन डाई क्लोरो इथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन का। तो अगर हम एग्जांपल लें तो इसका, ये जो हमारा कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन मूव करेगा तो डेक्सरोटेटरी होगा और लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा तो लेवल रोटेटरी हम उसे कहेंगे। तो देखते हैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स होते कैसे हैं। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है डायमीन डाइक्लोरो इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन का, वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सुपर इम्पोजिबल कहने का सेंस है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को उठा के इस पर रखेंगे तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे को कवर नहीं अगर कर लिया तो उसे हम सुपर इम्पोजिबल कहेंगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर को उठा के इस पर रखते तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे को कवर नहीं करता, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसलिए ये कंपाउंड जो हमारा डायमीन डाइक्लोरो इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमर का एक एग्जाम्पल। सो अगर कोई स्ट्रक्चर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन मूव करेगा उसे हम डेक्सरोटेटरी डी ओ प्लस कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा उसे हम लेवल रोटेटरी एल और माइनस कहते हैं। एल और माइनस हम डिनोट करते हैं उसका, हम उस स्ट्रक्चर को। ये हुई बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसका क्या हम एग्जांपल के थ्रू उसे समझ भी लिए। तो अब बात करते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो उसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
एज दे पोजेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अब स्क्वायर प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते थे और स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते थे। यहाँ पे स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसे कि अगर हम जिसका जनरल फॉर्मूला एम ए बी सी डी हो, यानी कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मेटल और चार लिगेंड हैं अलग अलग टाइप के, किसी सेंटर मेटल एटम के चारों तरफ जो लिगेंड्स हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो वो उस केस में जो जो मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, जो मेटल एटम है उस पर चारों तरफ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो उस केस में वो कंपाउंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, लेकिन जो डिफरेंट जो उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हाउएवर इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू आइसोलेट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ दिस टाइप, यानी कि जो ऑप्टिकल कंपाउंड्स हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के, उसे हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेगा लेकिन उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑल्सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरियम बोरॉन कॉपर सेकंड और जिंक सेकंड, ये सब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये सब जो एटम्स के जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर वो अनसिमेट्रिकल लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा आइसोमर्स को शो करेगा। तो इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये मिरर, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका मिरर इमेज भी है करता है ये। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कि बेरियम बोरॉन कॉपर सेकंड और जिंक सेकंड से के साथ अगर अनसिमेट्रिकल लिगेंड लगा हुआ है तो उस केस में जो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो एग्जांपल भी इसका हो गया। अब देखते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स नहीं शो किया, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं किया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करता है लेकिन उसे ज़्यादातर केसेस में एक दूसरे से आइसोलेट नहीं कर पाते हैं और ये क्या
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरियम, बोरॉन, कॉपर सेकंड, जिंक सेकंड, ये सब जो मेटल्स से जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं अनसिमेट्रिकल लिगेंड के साथ, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कैसे होता है, कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं उन्हें देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो जो देखिएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसका ऑप्टिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो उसे जो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।